ये गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी DR डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं 2007 2006 2021 22 18 में जो भी ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू अ इंफीरियर मीटर्स में, लाइफ स्पैम ऑफ RBC लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, 120 दिन। डिफिशेंसी ऑफ फैक्टर 8 कॉजेज क्या है, हीमोफीलिया। एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोक्यूटस, तो इसमें बोथ आएगा एंड इसोनोफिल एंड बेसोफिल। अब इसमें राइट रॉन्ग हमें पता करना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। राइट ब्रांचेस हैज लोब्स, राइट ब्रांचेस हैज लोब्स राइट है। द लीवर इज द साइट ऑफ बिलिवरम सिंथिस, ये रॉन्ग है। लीवर इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंड्रोक्राइन, ये सही है। लीवर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लीवर में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये सही है। डायलेटेड पीपल इज कॉल्ड मिसोसिस, डायलेटेड पीपल तो इसको रॉन्ग है, डायलेटेड पीपल इज कॉल्ड माइड्रिस कहते हैं, मिसोसिस नहीं कहते हैं। फ्रंटल साइनस इज अ पेयर्ड साइनस, ये करेक्ट है, फ्रंटल साइनस इज अ पेयर्ड साइनस। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोग पूछ जाते हैं। द पेयर ऑफ पार्शियल बोन इन द बॉडी, कितनी पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं। द pH ऑफ टीयर फिल्म, आंसुओं की pH वैल्यू क्या होती है, 7.4। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टोमक इज पेप्टाइड्स कहते हैं। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज, दिस हार्मोन्स मेंटेन द बेसिक मेटाबॉलिज्म। फीमर, अब इसमें ये है वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, फीमर इज अ बोन ऑफ, कहाँ की फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है कहाँ की होती है, जांग की। विच इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हम लोग का खून किसके कारण नहीं रुकता है, कौन सी बीमारी का, हीमोफीलिया। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या था, 120, और डायस्टोलिक का पूछें तो 80 हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ साइनोवायल फ्लूड क्या होता है, लुब्रिकेशन के काम होता है। लीवर सिंथेसिस इज प्रोथ्रोम्बिन, अब कर राइट रॉन्ग आ गया। सुबीटल फोसा लाइज बैक ऑफ द एल्बो, ये क्या है, ये सही है। ट्रैगीमिनल नर्व इज अ स्पाइनल नर्व, ये रॉन्ग है। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बेसिलस, ये सही है। CSC इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट विद पेशेंट, ये सही है। सक्सेस इंटेरिकस इज द सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या सही है। डायलेटेड लिंगामेंट अटैच टू डेल्टॉइड लिंगामेंट्स अटैच टू एंकल जॉइंट, जोड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है, एंकल जॉइंट के साथ जुड़ा होता है। एपेक्स बीट इन एडल्ट फेल्ट इन द स्पेस फ्रॉम मेडिकल प्लेन, 5th इंट्राकोस्टल स्पेस में पाया जाता है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रेट इज एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रेट क्या होता है, एटलस। स्कैफोल्ड इज द बोन ऑफ रिस्ट, स्कैफोइड इज द बोन ऑफ रिस्ट। जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बस, जंक्शन जो होता है कॉर्निया और स्क्लेरा को उसको लिम्बस कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी रेगुलेट फ्लूड बैलेंस, मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का, रेगुलेट फ्लूड को बैलेंस करने का। केमिकली हारमोन्स आर प्रोटीन स्टोरॉयड एंड बायोजेनिक एमाइंस। एवरेज लाइफ स्पैम ऑफ प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स की जीवन काल क्या होता है, 9 से 12 दिन होता है। इफ़ द एडल्ट नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एट द रेस्ट इन ब्रीथ पर मिनट 12 से 14 मिनट। द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, टू कंट्रोल केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। बाइल जूस इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ये क्या है, सही है। स्क्लेरा इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आई, ये भी सही है। लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी सही है। सेलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये इनकरेक्ट है। सेलिवा हेल्प नहीं करती है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लेब्रिथन इज ऑल्सो नोन एज इनर ईयर, ये ट्रू है। मास ऑफ नर्व सेल कॉल्ड अ गैंगोलियन, मास ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड अ गैंगोलियन। द ह्यूमरस इन द बोन इज द बोन ऑफ अपर आर्म, द ह्यूमरस इन द बोन ऑफ अपर आर्म। पीएच ऑफ ब्लड इज अराउंड 7.4। माइटोकैंड्रिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। टंग इज फ्लैशी एंड मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन क्या होती है, कॉलन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ हरन बंटी, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है, स्किन, त्वचा है। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, हड्डियों के अंदर क्या होते हैं, ऑस्टियोलॉजी। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, रेगुलेट फूड बैलेंस, फूड को बैलेंस बनाए रखना। द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट आवर बॉडी एंड गिव इट्स शेप, ये क्या, स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को और उसको शेप देता है, ये ट्रू है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ फोसोफोलिपिड्स, ये क्या है, ट्रू है। द एल्बो जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, ये भी ट्रू है। एल्बो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, मतलब कि ये सही है। क्लोव्स कैन नॉट बी स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव्स, लॉन्ग क्लोव्स किसे कहते हैं, लॉन्ग को, लॉन्ग ऑटोक्लेव में स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, ये ट्रू है। लिम्फोसाइट सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेरेंटी, ये ट्रू है। द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म, इज अ फ्लैशी एंड मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन, एक मसाल और पेशी संवेदी अंग है टंग। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नोन एज स्टरलाइजेशन। pH of blood क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा ज़्यादा क्षारीय होता है। द टर्म यूज इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय गति में वृद्धि के लिए प्रयुक्त शब्द है टैकीकार्डिया। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 mmHg। हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट जो होता है हम लोग का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। वेन ऑल्सो नोन एज WBC ऑल्सो नोन एज इरेथोसाइटस। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन किसे कहते हैं, फीमर को। हार्ट हैज अ, हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व होते हैं। द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा और कॉर्निया इज कॉल्ड कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन क्या कहते हैं, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। ये आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और सारे ये पेपर आपके कवर करवाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट रहते हैं। नॉर्मल वेट ऑफ एन एडल्ट आई इज अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 ग्राम। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट इज 60 से 100 बीट्स पर मिनट।
कार्पल्स बोन आर दी बोन्स ऑफ रिस्ट रीजन। रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलाई। रॉड शेप की जो बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेसिलाई। तो ये वीडियो यहीं तक, और ये मेरा चैनल, ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।